स्टूडेंट्स टुडे वी शेल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सेवन फ्रॉम आई आई मैथमेटिक्स 2024. थाउजेंड ट्वेंटी फोर दोनों क्वेश्चंस ग्रुप थ्योरी से हैं और बहुत लॉजिकल हैं. आइए जरा करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स 2024 जैम पर अ पॉजिटिव इंटीजियर एन लेट म्यू एन इक्वल टू दोज आर बार बिलोंग्स टू जेड एन फॉर विच जी सी डी ऑफ आर एन एन एस वन देखिए ये कुछ नहीं ये है ये म्यू एन है जेड एन और म्यू एन आप सबको पता है यू नो म्यू एन आप कैसे डिफाइन करते हैं जैसे डिफाइन करते रहे हैं वैसे डिफाइन होगा बेटा म्यू एन में आप लिखते थे आप सब लोग कि सर म्यू एन इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दोज नेचुरल नंबर्स ये विच आर लेस देन इक्वल टू एन एन को प्राइम टू एन है ना को प्राइम टू एन अगर आप आर जेड एन में डाल रहे हो मेरे बेटा तो आर का वैल्यू जीरो वन टू अप टू एन तक ही जाएगा तो उसमें से देख लीजिए कि एन के साथ कौन कौन से कोपराइम है तो सेम चीज़ म्यू एन ही बनेगा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वही चीज़ है कोई घबराने की जरूरत नहीं है वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू तो ये चारों चीज़ें हैं कोई भी आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं अगर ग्रुप थेरी ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो कंफ्यूज हो सकते हैं नहीं तो क्लैरिटी के साथ काम हो जाएगा आइए एक एक करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बेटा सबसे पहले व्हाट इज म्यू फाइव एंड म्यू एट मैं सब करा देता हूं आपको बेटा म्यू फाइव में आएगा दोज नेचुरल नंबर्स विच आर अंडर फाइव एंड कोप्राइम टू फाइव तो बेटा इसमें आएगा सिर्फ वन एंड फोर और म्यू एट में आएगा, आएगा, आएगा आपका वन थ्री फाइव सेवन बेटा आइसोमॉर्फिक होने के लिए कम से कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर होने चाहिए इसमें टू एलिमेंट्स है हियर वी हैव फोर एलिमेंट सो दे कांट बी आइसोमॉर्फिक ये गलत है अब आते हैं सेकंड पार्ट पे एक आपका म्यू टेन हो गया दूसरा आपका म्यू ट्वेल्व हो गया आइए मेरे प्यारे प्यारे बेटा ये आपका म्यू टेन है और ये आपका म्यू ट्व है हाँ जी म्यू टेन में आपका आएगा वन थ्री सेवन नाइन और इधर आपका आएगा वन फाइव सेवन इलेवन अगर आप केयरफुली देखेंगे तो मेरे बेटे यहाँ थ्री का ऑर्डर कितना आएगा थ्री का पावर देख लीजिए थ्री पावर वन थ्री पावर टू थ्री पावर थ्री थ्री पावर फोर तो दिस तो इज थ्री दिस इज नाइन दिस इज ट्वेंटी सेवन एंड दिस इज एटी वन जब मॉडिलो टेन लगाओगे मॉडलो टेन तो बेटा ये वन आएगा यानी फोर्थ पावर में वन आया तो इसका ऑर्डर चार हो गया मेरे बेटा अब जर इधर आ जाइए हाँ जी फाइव का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर सेवन का स्क्वायर एलेवन का स्क्वायर फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव मॉड्यलो लगाएंगे ट्वेल्व में तो वन आएगा इसी तरीके से सेवन स्क्वायर इज फोर्टी नाइन मॉडलो ट्वेल्व लगाएंगे तो वन आएगा इलेवन स्क्र इज वन ट्वेंटी वन मॉडलो ट्वेल्व लगाएंगे तो वो भी वन आएगा यानी इन तीनों का ऑर्डर तो दो है और आइडेंटिटी एलिमेंट का तो ऑर्डर ही वन होता है हमेशा कोई भी ग्रुप में तो बेटा यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस ग्रुप कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फोर एंड दिस ग्रुप नो एलिमेंट ऑफ ऑफर फोर ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते आइसोमॉर्फिक होने के लिए गुण मिलने चाहिए ना कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने चाहिए नहीं मिल रहे तो ये भी नहीं होगा मेरे बेटा तो पहला गया दूसरा गया अब आते हैं थर्ड पे तो लॉजिकली आप ऐसे काम कर सकते हैं मेरे बेटा आइए नेक्स्ट है आपका म्यू एट एंड म्यू टेन, मुए टेन। हाँ जी अभी थोड़ा सा काम तो किया ही था आपने वन थ्री सेवन नाइन और ये कुछ ऐसे है कि इसका ऑर्डर चार है इतना मैंने आपको बता दिया अब जरा यूनिट पर बात करते हैं बेटा इट हैज़ वन इट हैज़ थ्री इट हैज़ फाइव इट हैज़ सेवन सेम प्रॉब्लम थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर सेवन स्क्वायर थ्री स्क्वायर इज नाइन मॉडिलो एट इज वन यानी इसकॉर्डर टू आएगा फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव मॉड्यो एट इज अगेन वन स्क्वाडर भी टू आएगा और स्क्वाडर भी टू ही आएगा सो so, थ्री का स्क्वायर नाइन है वो वन आ गया मेरे बेटा आइडेंटिटी मॉडिलो एट में फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव है ये भी वन आ गया बेटा आइडेंटिटी मॉड्यलो एट में और सेवन का स्क्वायर भी वन ही आएगा आइडेंटिटी मॉड्यलो एट में ठीक है यानी इन सबका सेकंड पावर आइडेंटिटी आ रहा है तो इन दिस ग्रुप हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फोर वेल सो थर्ड पार्ट भी करेक्ट नहीं है ऑब्वियसली uh, पहला दूसरा तीसरा करेक्ट नहीं है तो लास्ट वाला ही करेक्ट होगा तो भाई विद लॉजिक सुपर लॉजिक आपने ये क्वेश्चन कर लिया चलिए थैंक यू वेरी मच अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखिए ये और धमाकेदार क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द दिमेट्रिक ग्रुप एस थर्टीन एस थर्टीन का मतलब थर्टीन एलिमेंट्स डोमेन में है थर्टीन एलिमेंट्स को डोमेन में परमिटेशन तो थर्टीन एलिमेंट्स या थर्टीन सिम्बल्स कम नहीं होते हैं उनके साथ एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है दो चार पाँच सिम्बल्स में तो फिर भी हो जाता है बट तेरह सिम्बल्स में एनालिसिस कैसे होगा अब क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात हो रही है तो परमिटेशन ग्रुप में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकाला जाता है दैट यू नो वेरी वेल अगर डिसजॉइंट साइकिल्स का प्रोडक्ट दिया है तो उनका ऑर्डर क्या होगा एल सी एम एल सी एम ऑफ रिस्पेक्टिव ऑर्डर तो ज़रा थर्टी है हमारे पास तेरह सिंबल है बेटा एस थर्टीन है जरा ध्यान दीजिए दिस इज एस रेस थर्टीन एस थर्टीन में अगर आपने अल्फा को लिया छः छः साइकिल ले लीजिए बीटा को सेवन साइकिल ले लीजिए तो अल्फा को ले लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड बीटा को बाकी बचे हुए सेवन एट नाइन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन बट आप सबको दिख रहे हैं इसका ऑर्डर सिक्स है इसका ऑर्डर सेवन है तो जो ऑर्डर अल्फा बीटा का आएगा वो तो एल हो जाएगा मेरे बेटा है ना ऑर्डर ऑफ अल्फा कॉम ऑर्डर ऑफ बीटा मैंने तो क्लास में भी ऐसे ही पढ़ा है सो दिस विल भी एलसीएम ऑफ इधर सिक्स है और इधर सेवन है सिक्स और सेवन का एलसीएम कितना होता है मेरे बेटा तो इसका पहला पार्ट करेक्ट है इन दैट केस आपको बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट में आया तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नहीं तो बाकी सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं एलिमेंट ऑफ ऑर्डर थर्टी फाइव के लिए एक पांच ऑर्डर का ले लीजिए एक साथ हमारे पास तेरह सिम्बल्स हैं थर्टी फाइव के लिए तो पाँच और सात में ही काम चल जाएगा पाँच और सात का मतलब बारह सिंबल्स में ही काम हो जाएगा एक फाइव साइकिल ले लेना एक सेवन साइकिल ले लेना डिसज्वाइंट ऑब्वियसली हाँ जी थ्री नाइन ये थ्री नाइन नहीं होएगा ये क्या कह रहे हैं एस थर्टीन हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ट्वेंटी सेवन वो नहीं आएगा ट्वेंटी सेवन का अगर आप डिकम्पोज भी करेंगे जैसे थ्री मैंने अभी बाई चांस थ्री नाइन बोल दिया था बट वो डिसजॉइंट थोड़े ना आएगा अब तो ये सॉरी उसका एल सी एम थ्री और नाइन का एल सी एम ट्वेंटी सेवन थोड़े ना आता है भाई नहीं होगा वो ऐसे एस थर्टीन हैज एन ऑर्डर हैज़ नो एलिमेंट ऑर्डर सिक्सटी वो भी गलत हो जाएगा जब एक बार आपको ट्रू मिल गया है ए पार्ट तो आगे क्यों टाइम ख़राब करना सिंगल करेक्ट था चलिए थैंक यू वेरी मच अगेन ठीक लगा तो कमेंट करना अच्छा अच्छा